हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको देख करके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा ब्लूमिंग हो रहा है मेरे प्लांट पे और कितना खूबसूरत लग रहा है अभी देखने में। और अक्सर ये नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब आपके प्लांट पे इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट के बारे में मैं अगर बताऊं तो ये साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये देखने में कितना खूबसूरत लगता है जब ये फ्लावरिंग करता है। अगर आप सामने से देख लीजिएगा तो इसको देख करके दिल बाग बाग हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा कि इससे छोड़कर कहीं और जाएं। इतना खूबसूरत ये देखने में लगता है। इसे बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक प्लांट होता है। ये हमारे पास से अगर थोड़ा सा कम केयर करते हैं तो कब चला जाता है वो पता भी नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, इसे इतना ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग लेने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है। तो आज वही जानेंगे किस तरह से हम मेहनत करते हैं, क्या मेहनत करते हैं और किस तरह से हम इसे देख रेख करते हैं ताकि मुझे इतना खूबसूरत फ्लावरिंग मिलता है। फ्रेंड्स, इसका बहुत ज़्यादा कलर में फ्लावरिंग होता है, बहुत सारे इसके वेराइटीज़ आते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल इसमें आता है। मेरे पास भी सिंगल पेटल डबल पेटल दोनों था, लेकिन फ़िलहाल सिंगल पेटल ही बच रहा है। जो डबल पेटल के प्लांट्स थे वो हमारे पास से चले गए हैं क्योंकि मैं उस टाइम इसे बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती थी और ना ही मुझे इसके नेचर के बारे में पता था। तो आप लोग के साथ मैं इसीलिए वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आपके पास भी अगर अजेलिया है तो ऐसी गलती ना करें जिसके कारण आपका अजेलिया आपके पास से चला जाए। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्लांट होता है और ये अगर आपके पास से चला जाता है तो काफ़ी दुख होता है। हालांकि ये सिंगल पेटल है लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगता है। जो डबल पेटल होता है वो बिल्कुल देखने में रोज की तरह लगता है। मेरे पास चार प्लांट थे जिसमें से एक प्लांट बचा है, लेकिन मैं अब इसे खोना नहीं चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ हमेशा मेरे पास ये बना रहे। फ्रेंड्स, पूरे साल वेट करने के बाद एक बार ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन जब फ्लावरिंग करता है तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है क्योंकि मैं पूरे साल वेट करती हूँ और साथ साथ मेहनत भी करती हूँ इस प्लांट के ऊपर। तो सबसे पहले जान लीजिए इसे किस तरह के पॉट में लगाना है। आप कोशिश करें मिट्टी के पॉट लें या फिर सीमेंट का पॉट लें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से आप प्लास्टिक का पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि सबसे बेस्ट होता है मिट्टी का पॉट, आप उसे ही यूज़ करें। मिट्टी का पॉट इसलिए क्योंकि ये प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मिट्टी के पॉट में अगर आप लगाते हैं तो पानी ऑब्जर्व कर लेता है मिट्टी का पॉट। और बड़े पॉट में कभी ना लगाएं। अगर बड़ा प्लांट भी है तो उसे 6 से 8 इंच के पॉट में ही स्टार्टिंग में लगाएं, बाद में आप 10 इंच के पॉट में ही उसे रिपॉट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, आप इसे रिपॉट करते टाइम बहुत ज़्यादा कोकोपीट का यूज़ ना करें। कोकोपीट अगर यूज़ करते हैं तब भी आपके प्लांट में पानी ज़्यादा होने का संभावना हो सकता है, तो कोकोपीट का यूज़ ना करें। इसका मिट्टी बिल्कुल बेलड्रिन बनाएं और साथ में कंपोस्ट जो है वो बिल्कुल आप रिच दें, और आप बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसमें बिल्कुल भी ना यूज़ करें, सिर्फ और सिर्फ पत्तियों का खाद यूज़ करें। पत्तियों का खाद जो होता है बिल्कुल ठंडा होता है और इसे बहुत ज़्यादा गर्मी वाला खाद पसंद नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं वाटरिंग की। वाटरिंग आप तब करें जब इसका मिट्टी ऊपर की ओर जो है वो सूख जाए, इस तरह नमी बना हुआ रहे, तब कभी वाटरिंग ना करें। और फ्लावरिंग होने के बाद तो किसी भी प्लांट में ओवर वाटरिंग करें ही ना। चलिए अब बात कर लेते हैं इसे किस तरह से तैयार करना है फ्लावरिंग के लिए। ये पूरे साल तो फ्लावरिंग करता ही नहीं है, लेकिन अगर फ्लावरिंग करता है तो उस वक्त के लिए हमें पहले से ही इसे तैयार कर लेना होता है। आप गर्मियों में इसे ऐसी जगह रखें जहां 1 से 2 घंटे की धूप आती है, और बारिश के मौसम में वहां रखें जहां इस पे बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। गर्मियों में आप इसे फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें, स्किप कर दें एकदम फर्टिलाइज़र को, और आप इसे बारिश के मौसम के बाद यानी सितंबर के बाद अक्टूबर में अच्छे से इसकी मिट्टी को गुड़ाई करके और पत्तियों का खाद दें। पत्ती के खाद के साथ आप थोड़ी मात्रा में
सीबिट और 1 से 2 चम्मच बोन मील का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। नवंबर मंथ को आप स्किप कर दें, दिसंबर में फिर से आपको इसमें पत्तियों का खाद दे देना है। उसके बाद ये प्लांट अपना वर्ड्स बनाना स्टार्ट करता है। वर्ड्स हेल्दी हो इसके लिए आपको 1 चम्मच सीविट और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच पत्तियों का खाद और साथ ही 1 चम्मच बोन मील का यूज करें। इन सारे खाद को आपको दिसंबर मंथ में दे देना है। सेम खाद को फिर जनवरी में रिपीट करना है। फरवरी में इस प्लांट को आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप चाहें तो बाकी सारे जो प्लांट में आप फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, बनाना पिल्स फर्टिलाइजर या फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर का लिक्विड बनाकर या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। ऐसे कोई भी आवश्यकता नहीं होती इस प्लांट को फरवरी में कोई भी फर्टिलाइजर की। लेकिन अगर आप सारे प्लांट को देते हैं तो इसे भी दे दें, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मार्च में आप बिल्कुल भी इस प्लांट को खाद ना दें, क्योंकि मार्च में ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है और फ्लावरिंग करने के बाद किसी भी प्लांट को खाद की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे यहाँ ये मार्च में ही फ्लावरिंग करता है तो हमें ऐसा लगता है ये स्प्रिंग सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट रहता है तो विंटर में या फिर विंटर के स्टार्टिंग में ही ये फ्लावरिंग कर लेता, विंटर जाने के बाद ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है। तो हमें ऐसा लगता है स्प्रिंग सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है। ऐसे अगर आपके यहाँ जनवरी या फरवरी में ये प्लांट फ्लावरिंग करता है तो आप उस वक्त भी इसमें खाद ना दें, उससे पहले ही इसमें खाद दें। इतने खूबसूरत फ्लावरिंग लेने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मेहनत कर दें और इस प्लांट में बहुत ही अधिक फ्लावरिंग लें और सालों साल आपके पास बना रहे प्लांट, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत से एजेलिया प्लांट के बारे में आज बस इतना ही। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना और अपने बगिया का ढेर सारा ख्याल रखें। जय माता दी फ्रेंड्स। और अगर एजेलिया प्लांट आप लोग को अच्छा लगा है तो आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ कर जाएँ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।